हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के अग्रवाल। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स जो CSIR नेट के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिलअप कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड अपन बातें करेंगे। या काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें सच में मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि LS करें, GRF करें, या फिर अपन कहें कि रिजल्ट अवेटेड करें, अपन कौन सी ईयर के अंदर हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, या फिर अपन कहें कि अपन इस सब्जेक्ट से FPG हैं तो क्या अपन कौन से सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब के लिए अपन यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करते हैं या छोटा सा वीडियो बनाते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ सोल्व हो सके। और फिर भी किसी प्रकार के डाउट आपके मन में रहते हैं, फॉर्म भरते वक्त अगर आते हैं, फेस करते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं या जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स शेयर करें या किसी प्रकार की कुछ चीज़ें पूछे, तो भी मैं प्रत्येक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करता हूं। तो यहां पर भी अपन आज देखते हैं कि जो CSIR नेट है उसके फॉर्म जो हैं वो अभी क्या चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी अप्लाई ऑनलाइन चल रहे हैं। इनमें से अपन देखें इसकी जो डेट है वो कब से कब तक की बात करें अपन, तो तीन दिसंबर 2021 टू 2 जनवरी 2022 तक, ये अपनी जो इस फॉर्म की डेट है वो चल रही है। इस फॉर्म की डेट के बीच में आप फॉर्म है वो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या आएगी, एडमिट कार्ड जनरेट होगा। और एडमिट कार्ड के बाद में क्या आएगा, बाईस को एग्जाम। इसलिए एग्ज़ाम का टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से CSIR ने फॉर्म निकाले भी नहीं थे, जो अभी निकाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी शॉर्ट टाइम इसमें दिया है। आगे अपन देखें कि CSIR में प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे उनको फेस करते हैं। जैसे अपन देखें, सबसे ये तो पहले इसकी डेट है, जो भी स्टूडेंट्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है तो वो यहाँ से आप इसमें देखकर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो वीडियो को, तो यहाँ पर उनको बता सकते हो। आगे अपन देखें कि जब फॉर्म फिलअप करते हो, इसमें फॉर्म फिलअप करते वक्त दो स्टेप है, एक रजिस्ट्रेशन और एक है अप्लाई। पहले कोई भी कैंडिडेट जो न्यू कैंडिडेट है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन से आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिलेगी वहां से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म की जो तीन स्टेप है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो किसके थ्रू जाना, अपने को पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके थ्रू अपने को टू, थर्ड और फोर्थ स्टेप को कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप में आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, या एड्रेस है, उन सभी से रिलेटेड अपने को पूरा जो फॉर्म फिलअप करना है वो कौन सा करना है, अपने को टू नंबर के ऊपर करना है। तो यहाँ से इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी इसकी। इसमें एक चीज़ आती है, ग्रेजुएशन, UG एंड PG, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, दो चीज़ें जो हैं इनमें से डिटेल डालनी है आपको। तो जो भी BSc आपने कर रखी है तो BSc से रिलेटेड डिटेल डाल सकते हो। आपके जो भी इसमें डिटेल्स पूछता है, आपके टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, या परसेंटेज के अलावा अदर आपका कोई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप PG में डालते हो तो हो सकता है कई कैंडिडेट जो हैं उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो विशेष तौर से है, जो कैंडिडेट अभी जैसे फर्स्ट सेम फर्स्ट
पीजी में है, फर्स्ट सेम में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, या फिर अपन ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में है या एमएससी सेकंड ईयर में है, मतलब एमएससी प्री और एमएससी फाइनल के अंदर है, तो उन दोनों जो ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, इन दोनों कैंडिडेट्स के अपन देखें कि क्या फिलअप करना है, क्योंकि अपने परसेंटेज वगैरह जो है वो तो अभी आपको मिले नहीं हैं। तो इनकी जो कंडीशन है, तो यहाँ पर मैं इसी के ओब्लिक में लिख देता हूँ, सेमेस्टर वाइज चल रही हो या ईयर फर्स्ट और ईयर सेकेंड, मतलब एमएससी प्री और एमएससी फाइनल, ये जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट, इन कैंडिडेट्स को क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट में करना है एवेटेड। रिजल्ट में क्या करना है आपको, एवेटेड करना है। अगर आपने बीएससी कंप्लीट की है, कंप्लीट करते ही आपने एमएससी के अंदर एंटर किया है, तो आपके माइंड में ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चंस या किस प्रकार के डाउट्स होते हैं कि क्या हमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप बीएससी पास आउट हो, आपने पीजी में कहीं एडमिशन ले रखा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। बस रिजल्ट में आपको पीजी में क्या दिखाना है, रिजल्ट एवेटेड दिखाना है। रिजल्ट एवेटेड होते ही आपके सामने एक प्रोफॉर्म आएगा रिजल्ट एवेटेड का, एक सर्टिफिकेशन जारी होगा, एक फॉर्म जो है वो जारी होगा, किसके रेफरेंस में जारी होगा, रिजल्ट एवेटेड का जारी होगा, वो प्रिंट लेकर अपने को जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है वहां के जो हेड है आपके डिपार्टमेंट के, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या वहां की प्रिंसिपल, उनसे आपको क्या कराना है, सील लगवाकर, सिग्नेचर करवाकर वेरीफाई करवाना है। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आप तैयार करोगे, तो आप इसमें कैटेगरी में आप आ सकते हो रिजल्ट एवेटेड के अंदर, क्योंकि प्रूफ चाहिए होगा कि आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट या किसी न किसी कॉलेज के अंदर आप इनरोल्ड हो, तो उसके लिए आपको रिजल्ट एवेटेड और रिजल्ट एवेटेड का आपको क्या करना है, फॉर्मा तैयार करके इस परफॉर्मे को आपको अपलोड करना है। ये तो स्टेप थी जो रिजल्ट अभी पास आउट नहीं हुए हैं वो, और जो पास आउट हुए हैं वो अपने मार्क्स, अपने रोल नंबर, अपने जो परसेंटेज है वो इसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे अपन देखते हैं, जैसे दो चीज़, जैसे आप सब इसमें करते हो अप्लाई फॉर, जब ये ऑप्शन सामने आता है आपके, तो इसमें दो ऑप्शन सामने आते हैं, एक JRF और एक लेक्चरशिप LS। तो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टूडेंट्स हो जो JRF के कैटेगरी में, मतलब एक एज होती है जैसे अबोव 32 एज के आसपास होती है, तो 32 के अबोव यदि कोई कैंडिडेट है तो वो तो किस में अप्लाई करेगा, LS में, और उससे जो नीचे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो JRF में, क्योंकि यहाँ पर जो JRF है इसमें JRF प्लस नेट इंक्लूड है। JRF अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, तो JRF अगर आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स JRF के इक्वल आते हैं, कट ऑफ में जाते हैं, तो आपको JRF मिल जाएगी, और अगर उसके मार्क्स आपके नेट के इक्वल आते हैं, JRF तक नहीं पहुंच पाते हो, नेट के इक्वल रहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली नेट है उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट ओवर एज हैं, या फिर अपन कहें LS मतलब अबोव 32 ईयर है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं LS के लिए। और दूसरी चीज़, LS के लिए कोई एज
लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक वो कोशिश करे वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए कोई एज निर्धारित नहीं की गई है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपने को जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन सा अप्लाई करना है, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप को अप्लाई करना है। इसमें भी अगर आप टॉप 10 में अगर आते हो तो आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है या स्कॉलरशिप से दिया जाता है, जिसे SPM कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पर अपना SPM जो है वो लास्ट में कैंडिडेट को, जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनको अवार्ड किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास दो कैटेगरी है, JRF और LS। तो मोस्टली कैंडिडेट्स जो भी अंडर 32 है वो किसको अप्लाई करेंगे, JRF के लिए अप्लाई करेंगे। आगे अपन थर्ड जो डाउट है बच्चों का वो अपन देखते हैं। अब आता है सब्जेक्ट, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सब्जेक्ट में इसमें 5 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। आपको सब्जेक्ट जो चूज करना है वो, जैसे जो भी कैंडिडेट्स हैं, खास तौर से अपन लाइफ साइंस की बात करें, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी काफ़ी सब्जेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो तो आप पूछ सकते हो हम किस में अप्लाई करें। लेकिन जो मोटी मोटी सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये और भी लाइफ साइंस रिलेटेड जिसमें आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलती हो, एनिमल्स और प्लांट्स पढ़ने को मिलते हो, वो सभी किस में आएंगे, लाइफ साइंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो वो आप अप्लाई क्या करेंगे, लाइफ साइंस, वो सभी आप अप्लाई क्या करेंगे, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, आपको लाइफ साइंस के अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है। आगे अपन देखें, क्योंकि आप एक ऑप्शन देख सकते हो, लाइफ साइंस फिलअप करने के बाद, जैसे आपने लाइफ साइंस फिलअप किया है तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पूछेगा, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पूछेगा। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर आप टिक करोगे, जैसे लाइफ साइंस करने के बाद आपने पहले क्या किया है, लाइफ साइंस किया है, लाइफ साइंस करने के बाद सेकंड ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे ही आप इस पर टिक करोगे, टिक करते ही आपके सामने सिर्फ वही ऑप्शन आएंगे जिसमें आप एलिजिबल हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी किसके अंदर इंक्लूड होंगी, लाइफ साइंस के अंदर इंक्लूड होंगी। तो इसमें आपने जिसमें PG की है, यहाँ पर पूछा है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो इसमें जिसमें आपने PG की है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर देंगे। आगे अपन देखें, यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के अंदर आपको कौन सी स्टेप है, थर्ड स्टेप है, जिसमें सबसे पहले आपको फोटो, सिग्नेचर के अलावा कास्ट,
सर्टिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा रिजल्ट अवेटेड, ये आपको इसके अंदर क्या करना है, अपलोड करना है। ये जो होंगे वो जेपीजी फॉर्म में होंगे दोनों, और ये डॉक्यूमेंट अगर आप कोई डालोगे तो ये कैसे होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होंगे। पीडीएफ फॉर्मेट भी होने चाहिए और लेस देन 300 KB, 300 KB के आसपास में इसकी साइज जो है वो होनी चाहिए, 300 KB के आसपास ये इसकी साइज होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपको दिखाई नहीं देता हो, तो यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट अवेटेड लगाया था, अवेटेड, और इसकी जो पीडीएफ की साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 300 KB से कम होनी चाहिए। ये आपकी जो मेन मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो इससे फॉर्म से रिलेटेड थी। और आगे आपको पेमेंट है वो ऑनलाइन करना है, वो आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन जो है सिस्टम उनसे आप UPI से ID से भी कर सकते हो, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर कटवा सकते हो आप। तो ये तो जो वीडियो था वो अपना था CSR नेट से रिलेटेड, कि जो भी स्टूडेंट CSR नेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती है या कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना है, तो उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जो स्टूडेंट नए हैं वो खास तौर से ध्यान रखें किसी प्रकार की ज़्यादा मिस्टेक्स ना करें। तो अपना ये वीडियो यहाँ का जो है वो वीडियो कैसे कंप्लीट होता है। आगे अपन जो भी आपकी क्यूरीज होगी या जिस प्रकार की आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग अपन वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।